हेलो एवरीवन, मैं तारा कुशवाहा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे की बर्फी। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं स्पेशल बर्फी बनाने जा रही हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और जिन्होंने फास्ट नहीं रखा है वो भी खा सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी होती है मीठी मीठी सी सिंघाड़े की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं हम सिंघाड़े की बर्फी बनाना। सिंघाड़े के आटे की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सिंघाड़े का आटा। मार्केट में दुकानों पे आराम से मिल जाएगा ये आटा। और अगर आप आटा नहीं सिंघाड़ा को पीस कर आटा बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकती हैं। और चीनी मैंने लिया है 200 ग्राम, इलायची पाउडर, मैंने इलायची को चीनी के साथ मिक्स करके पीस लिया है। आप चाहें तो मार्केट का बना हुआ भी इलायची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप बनाएं तो आप जो है रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, सरसों तेल का नहीं। बादाम मैंने कुछ लंबे पीस में काट लिया है और कुछ खड़े भी हैं। काजू इसे भी मैंने काट लिया है और कुछ खड़े पीस भी रखा है। और ये कद्दूकस की हुई गरी। दूध लिया है मैंने 200 ग्राम और 200 ग्राम तक लगभग पानी। मैं दूध और पानी दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप सिर्फ दूध या सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैंने गैस पे कढ़ाही रख दिया है गर्म होने के लिए और अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। मैं देसी घी 2 मीडियम साइज चम्मच डालूंगी। घी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी सिंघाड़े का आटा। हमें मीडियम आंच में इसे 2 से 3 मिनट तक भूंज लेना है, जब तक इसमें सोंधी सोंधी सी महक ना आने लगे तब तक। आटा गोल्डन कलर का हो चुका है और सोंधी सोंधी सी महक भी आने लगी है। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। जिस बाउल से मैंने आटा लिया था उसी बाउल से 3 बाउल मैं इसमें पानी और दूध दोनों मिक्स करके डालूंगी। हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको डालना होगा, चलाते हुए आराम आराम से पानी डालना है। जितना पानी मैंने डाला था कढ़ाई में आटे ने सारा पानी सोख लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। आपको कम या ज़्यादा जैसे मीठा खाना है उस हिसाब से चीनी डालें। काजू जो मैंने पीस पीस में काट कर रखा था, बादाम और धीमी आंच में आराम से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। अच्छा अच्छे से पकाना है, अगर कच्चा रहेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और बर्फी जमेगी भी नहीं। पकाने में लगभग 5 मिनट का टाइम लगा है क्योंकि मैंने मीडियम आंच पे इसको पकाया है और अब ये एकदम गाढ़ा हो चुका है, इसका मतलब पककर तैयार है। मैं गैस बंद कर दूंगी। बर्फी जमाने के लिए मैंने लिया है थाली। अगर आपके पास ट्रे हो तो आप ले सकती हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने थाली का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें देसी घी लगा दूंगी पूरे में, ताकि जो हम इसमें
बर्फी बनाएंगे वो था कपड़े थाली से चिपके नहीं और आराम से निकल आए। और इस पे जो हमने तैयार किया है बर्फी का बैटर, इसमें हम डालकर अच्छे से फैला देंगे। ये मैंने फैला दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी कद्दूकस किया हुआ कोकोनट। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये ठंडा भी हो चुका है, हम इसे बर्फी के शेप में काट लेते हैं। आप जिस डिजाइन में या बड़ी छोटी जिस साइज में काटना चाहें आप काट सकते हैं। बर्फी कटकर रेडी है और अब हम इसे खाकर देखिए कितनी टेस्टी दिख रही है। ये खाने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसी तरीके से सिंघाड़े के आटे की बर्फी जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से और 5 से 10 मिनट में टेस्टी टेस्टी बर्फी बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको सिंघाड़े की बर्फी का रेसिपी? अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ बनाकर जरूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।